हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कल से जब अनाउंस हुआ है तभी से लेकर अब तक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई और कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम सही भी है। तो क्या हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता? यस, सलूशन होता है। सिर्फ आपको रिसर्च और आपको एनालाइज करने की जरूरत है कि इसका सलूशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसका सलूशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडवांटेज की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको क्या होता है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पर आपके किसी भी तरीके के निगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। दूसरा, मार्क्स आपके तब बढ़ सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तीसरा, यहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज बच्चों के लिए वो हो सकता है कि कम से कम टाइम में ज्यादा स्कोर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। लेकिन ये जिस तरीके से एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज में भी है। डिसएडवांटेज ये है कि यहां पर बच्चे पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, उनके पास सिलेबस नहीं है, उनके पास बुक्स नहीं है, वो प्रिपेयर कैसे करेंगे? पिछले 5 महीने का जो गैप हो गया है उसकी वजह से उनके लिए वो चीजें नहीं है। दूसरी चीज कि जो कोर्सेस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शन होता ही नहीं था उनके लिए वो सारी चीजें नया पैटर्न है, नई चीजें अडॉप्ट करनी पॉसिबल नहीं होती कभी कभी। तो क्या ये सारी चीजें जानने के बाद भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करना कहीं ना कहीं सही है? तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको जो सॉल्यूशन बताने वाला हूं, अगर वो सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी या वाइस चांसलर्स या चांसलर या जितने भी एजुकेशन ऑफिसर्स है या एजुकेशन ऑफिशियल्स है, उदय सामंत सर हो गए, तानपुरे सर हो गए, अगर वो चीजें सुनते हैं, समझते हैं और वो सारी चीजों को देखकर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सोल्यूशन ढूंढना। वो सोल्यूशन क्या है? अगर यूनिवर्सिटीज अपने वेरियस कोर्सेस के लिए स्टडी बैंक रिलीज करता है या स्टडी क्वेश्चन बैंक रिलीज करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, हर सब्जेक्ट के लिए अगर स्टडी मटेरियल रिलीज करता है, तो बच्चा उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो सारे क्वेश्चंस को देखेगा, समझेगा, एनालाइज करेगा, उसके आंसर्स देखेगा, उसके सॉल्यूशंस भी उसके पास अवेलेबल होंगे और ये सारे क्वेश्चंस के डिबेटिंग वो अपने टीचर से करेगा, अपने डाउट सॉल्विंग करेगा। सब्जेक्ट टीचर का सपोर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टडी बैंक रिलीज करता है, क्वेश्चन बैंक रिलीज करता है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा साबित हो सकता है, एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा रहेगा। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी अगर स्टडी बैंक रिलीज कर किया जाता है। देखो, हम कितना भी डिनाई कर ले तब फाइनल डिसीजन इज इन द हैंड ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, ओपन बुक या असेसमेंट। लेकिन मैं अपनी सजेशन सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं क्योंकि यहां पर टाइम लिमिट 1 घंटे का रखा गया है, 60 में से 50 क्वेश्चन को सॉल्यूशन में करना है। तो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है कि टाइम लिमिट टाइम बाउंडिंग होने की वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, इसलिए वो कंटिन्यूसली असेसमेंट की मांग कर रहे हैं, असाइनमेंट असेसमेंट की मांग उठा रहे हैं। लेकिन अगर MCQ आता है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड इसका जो सॉल्यूशन मैंने बताने की कोशिश की है वो सॉल्यूशन अप्लाई किया जाए ताकि आपके लिए कहीं ना कहीं एडवांटेज साबित हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे क्योंकि यहां पर आने वाले सारे के सारे वीडियो विथ रिसर्च के साथ आते हैं। क्योंकि बिना ग्राउंड रियलिटी देखे, बिना किसी चीज के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में कभी भी कोई वीडियो निकालने की कोशिश नहीं करता। उम्मीद करता कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।